सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं बरिस्ता गांधीनगर। इसका नाम क्या डाला था आपने? बेला। हैं? बेला। बेला। अब आप हो गए हो बेला। अच्छा गाइस, मॉर्निंग गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो चुका है, एंड तक बनिए रहिएगा। और ये ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा, मिनी व्लॉग ही होगा, आज ही पता चलेगा क्या करता हूँ। एक्सरसाइज से ही शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं लूँगा तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कैफीन अंदर गई है, तो बेशक वर्कआउट की फॉर्म में गई है, कैफीन से दिन स्टार्ट कर रहे हैं, बस यही मेरा मेन इरादा होता है। अब उसके बाद ही दिन तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सही दिन तो कॉफ़ी से स्टार्ट होता है, उसके बाद एक्सरसाइज से फिर चलते रहे कहीं नहीं कैफे। वर्कआउट हो चुका है और अब मैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलूंगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन जहाँ का मूड बना वहाँ चलेंगे। सो दोस्तों, रेडी हो चुका हूँ जिम से, अब निकलने वाला हूँ। पहुँच चुका हूँ जिम के गैरेज में। ये गैरेज है अंडरग्राउंड बेसमेंट में, भाई बेसमेंट का गैरेज है। तो भाई लोग निकलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, अभी मूड पता नहीं रास्ते से बनेगा कहाँ जाना है। मौसम कुछ ड्रामा ही खेल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड थी सुबह, अभी धूप चढ़ाई है और शुक्र है मैंने जीन्स की जैकेट डाली है, नहीं तो ये धूप मेरी जान खा जाती। वैसे तो 4-5 दिन से गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, जम्मू वाली गर्मी वापस आ चुकी है, लेकिन हम जम्मू के हैं तो हम तो तैयार ही रहते हैं, क्योंकि 8 महीने तो यहाँ गर्मी रहती है। और दिल्ली तो ऐसे ही बदनाम है, वही दिल्ली वाली गर्मी यहाँ पे भी है। आज मूड बना है बरिस्ता गांधीनगर का, वहाँ पे पियेंगे आज दिन की पहली कॉफ़ी। गांधीनगर से प्यार इसलिए है भाई, गांधीनगर में मैं 7 ईयर पोस्टेड रहा हूँ, यहाँ पे गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, वहीं से पड़ी थी सारी प्यारी प्यारी आदतें कॉफ़ी पीने की। गांधीनगर और यहाँ कॉफ़ी। मैं पहुँच चुका हूँ बरिस्ता गांधीनगर और यहाँ रोड का काम लगा है शायद 6 लेन्स का। तो ये मुझे याद आ गया आरएसपुरा का कोई गांव, जहाँ से वो छोटी सी नहर के ऊपर से ऐसे हम निकलते थे। कभी फ्रेंड के गांव जाता था, मज़ा आता था वहाँ। एंटर करते हैं हम बरिस्ता में, और ये मेरा फेवरेट कैफ़े है और मैं बहुत कम आता हूँ आजकल यहाँ। हेलो अमित, क्या हाल है आपका? बढ़िया सर, बढ़िया सर। भाई क्या हाल है, ठीक हो आप? बनाओ जी एक कॉफ़ी और साथ में ओट मिल्क कुकी गर्म करो भाई, मेल्ट हो जाने चाहिए मुंह में जाते ही ओट मिल्क कुकी। तो ये रही मेरी फेवरेट चेयर, ये रहा मेरा फेवरेट टेबल बरिस्ता गांधीनगर का। मेरी ज़्यादातर रील्स जो यहाँ पे है वो यहीं पे इसी जगह पे मिलेंगी आपको, ज़्यादा या फिर वो वाला सामने वाला वो इवनिंग में, और कुछ एक्स्ट्रा जो विंटर में मैं रील्स बनाता था बाहर जाके टेबल लगवा के, वो आज नहीं लगवा सकता क्योंकि बाहर रोड का काम चल रहा है। तो जब हो जाएगा तो फिर से वहाँ पे बैठ के रील बनाएंगे। कॉफ़ी फिनिश हो चुकी है और अब थोड़ा वाटर इंटेक भी होना चाहिए। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है आपको कि ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ अगर आप 2-3 ग्लास हर कप के साथ दो तीन गिलास पानी नहीं पियोगे तो ड्राइनेस हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे, उल्टा
को क्या कहते हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे। तो गाइज अब मैं निकलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, तो बरिस्ता को करते हैं अलविदा। सो गाइज अलविदा कहते हैं बरिस्ता को, बरिस्ता गांधीनगर में था मैं और ये दिन की फर्स्ट कॉफ़ी यहाँ पे पी है। और अम्मी जी थैंक यू सर। अब्दुल अब मेरे बारे में कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छे सर हैं, हमारे पास महीने के अभी एक बार आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास डेली आए, डेली कॉफ़ी पी है। थैंक यू सर। ओके भाई जान, फाइनली निकलते हैं यहाँ से, छोड़ते हैं गांधीनगर को और प्लान बनाते हैं कहीं और का क्योंकि आज मैं फ्री हूँ और घर जाने का तो बिल्कुल इरादा अभी नहीं है मेरा। मैं पहुँच चुका हूँ पिट स्टॉप और यहाँ पे है कुछ नया। ये है भाई किशान भाई का ZX10R और ये रहे हमारे ईशान भाई। जय हिंद जय भारत, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सारे? पिट्टी वाले भैया आजकल बन चुके हैं, इसका क्या नाम डाला? गोस्ट वाले भैया। ये है एक आत्मा और वो है उनका शरीर, इस आत्मा का ये राइडर शरीर, यहां से गोस्ट एंड आई एम द राइडर। क्या बात, गोस्ट राइडर, क्या बात है, पूरे आप गोस्ट राइडर बन गए हो भाई, मुबारक है आपको भाई। आपको भी दे रहा भैया, बड़ों की ऐसी हम पे ब्लेसिंग रहे, वो इतना काफी। सुपर सोनिक बाइक है आपकी और यहां पे कुछ और, ओ माय गॉड, सक्सम, क्या हाल है आपका? बाइक नहीं आ रही यार, क्या हाल है? कब आएगी बाइक? क्या बताएं, खासकर जब किसी की नई बाइक सामने हो और अपनी नई बाइक, ये भी अपनी है किसी और की नहीं, भी अपनी। फिर भी फील तो होता है ना कि मेरा Z900 कहाँ है। इसका नाम क्या डाला था आपने? बेला। अब आप हो गए हो बेला। अच्छा भाई, लाइव हो गई। हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो क्यूट गर्ल्स, बच्चा नगमा गाए, कश्मीरी नहीं गाते, बच्चा नगमा। आओ आपसे बच्चा नगमा के डांस करवाए आप, बच्चा नगमा। हेलो पंडित जी। हेलो सर, वेलकम टू पिट स्टॉप। थैंक यू पंडित जी। और ये रहा मेरा ब्लैक मांबा, बेचारा वेट करता करता रह गया, दो दिन से वेट कर रहा है, इसको स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन अगले ब्लॉग में ही अब चलाएंगे इसको भाई, फिलहाल ये यहीं स्टैंडिंग मोड पर रहेगा। ब्लैक को बैक मांबा बना दिया इन्होंने, ये भी चेंज करवाना है। अभी तक रील वगैरह बना रहा था, इंस्टा रील्स माय फेवरेट तो अब फिर से निकला हूँ वापसी की ओर। रास्ते में लाइव भी होना है इंस्टा पे, देखते हैं क्या कहाँ पे होता है। मैं आया हूँ कैफे वैले भी, यहाँ पे इंस्टा लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है, लाइव सेशन के बाद फिर मैं कहता हूँ वजन एक अमेरिकानो देना। ठीक है, फाइनली मैं अपनी लाइव लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ से मैं हमेशा इंस्टा लाइव होता हूँ, या यहाँ से या फिर वो लास्ट वाला फ्यूचर वाला के लिए। तो मैं हूँ इस वक्त कैफे बेलेवी में और लाइव आने वाला हूँ इंस्टा पे, लाइव। यस, इंस्टा लाइव भी स्टार्ट हो चुका है, मैं लाइव पे हूँ इंस्टा। नेक्स्ट ब्लॉग में अब बाद में ब्लॉग एंड करूँगा मैं। तो गाइस आप लोग आने वाले हो मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, यूट्यूब ब्लॉग, आप क्या कहना चाहते हैं यूट्यूबर्स को मेरे लिए? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई यूट्यूब के लिए।
गाइस इस वक्त हूँ मैं इंस्टा लाइव पे, तो ये लोग भी यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहे हैं मुझसे और मैंने यहाँ पे भी जवाब देने हैं कुछ। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आज के ब्लॉग का एंड यही है। इंस्टा लाइव, यस सी दीज हार्ट्स फुल ऑफ लव फॉर मी।